इसलिए फील करता है मेरे ख्याल से कोई इंडस्ट्री में किसी सिंगर ने इतना किसी फ्रीडम फाइटर के लिए जो उनको एक्चुअली रिकॉग्निशन चाहिए उसे डेडिकेट नहीं किया होगा. सो थैंक यू सो मच इक्का कि आप हनी भाई ने करा था गाना. हनी भाई ने करा था गाना एक निशान भुल्लर जी मेरे को याद है कि तेरी फोटो क्यों नहीं भगत से यहां लगदी फोटो से. वो गाना यार लोगों ने सुना ही नहीं यार. पता नहीं लोग क्यों नहीं सुनना चाहते ऐसी चीजें. मतलब वो गाना मेरे यहाँ लगता दिल पे कलेजे पे यार. क्या गाना था वो निशान भुल्लर भाई ने. क्या मतलब जितनी तारीफ करूं हनी भाई के. और अगर लोगों ने नहीं सुना जाके सुने हनी भाई और निशान भुल्लर भाई का गाना. क्या बात है. बिल्कुल जितने भी फैंस देख रहे हैं एक्का जी के उनकी रिक्वेस्ट जरूर मानिए गाना जरूर सुनिए जाके. तो आपको अरे बहुत गाने बना रखे हैं दिलजीत पारी के साथ यार. दिलजीत क्या तो बात है. मतलब दिलजीत पारी और मैंने सिंगल करना है. मतलब बहुत अच्छा सिंगल करेंगे. और जब आएगा ना माँ की कसम चुम्मी कर दोगे आप मेरे को. मतलब ऐसी चीज है भाई. मतलब सच्ची में मतलब लोग कहेंगे कि वाह यार भाई तो भाई है. मतलब एनी डे वो तो रेडी है गाना करने के लिए. क्या बात है क्या बात है. सो फैंस के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं वो हम बाद में लेंगे. बट इक्का एक चीज मुझे पूछनी है. जो ये गाना था फैन भगत सिंह का ये दिलजीत तक कैसे पहुंचाया गया था. कि आपके माइंड में ही था कि उनसे ही गवाना है या फिर उन्होंने खुद ही आपको अप्रोच किया था किसी गाने के लिए और आप ये मैं एक्चुअली मैं जेएसएल पारी के थ्रू मिला था दिलजीत पारी से. और हम बहुत सारे गानों पे काम कर रहे थे. दिलजीत पारी को मेरी राइटिंग बहुत पसंद थी. जेएसएल भाई ने गाने बना रखे थे. फिर दिलजीत भाई जेएसएल भाई के पास आए मिलने के लिए और उन्होंने सुना और कहते कि तेरे गाने लिखने वाला है. कहते एक का ये लड़का लिखता है. तो दिलजीत भाई कहते हाँ हनी भी इसकी बात करता है लड़के की. मेरे को मिलवाओ इस लड़के से. दिलजीत भाई से मिला. फिर मैंने उनको अपने गाने सुनाए और मैं फैन भगत सिंह लिख रखा था. तो उनको इतना पसंद आया उन्होंने कहा एक पास रखना इसको हम जरूर करेंगे. फिर पारी का आ गया था. फिर उन्होंने कहा कि हम ये गाना करते हैं. फिर ऐसे गाना हुआ ये. क्या बात है. सो इक्का मैं आपको एक और चीज बताऊं. आपने जो ये तारीफ की ना ये वाली तारीफ आपकी आपके ही एक टीम के मेंबर मैं ऑडियंस को बताना चाहती हूँ. इनसे पहले हमारी एक इंटरव्यू हुई थी आरएस चौहान जी के साथ. तो उन्होंने भी इक्का जी की ये क्वालिटी बार बार मेंशन की थी कि इक्का जी सबके लिए इतना ज्यादा करते हैं. मतलब की इक्का जी दिलजीत की पिक्चर देख के आए थे 1984 वो देखते भी इक्का जी ने सबसे पहले बाहर आके कॉल किया था. सो इक्का जी ने सबके इतने साथ मतलब टच वो इतना ज्यादा सबको सपोर्ट करते हैं. दैट इज गुड कि एक सिंगर दूसरे को सपोर्ट करता है. ये कम होता है बट अच्छा है कि आप इसके पार्ट है कि आप सबको सपोर्ट करते हैं. यार देखो जिंदगी एक है और आगे बढ़ाना चाहिए लोगों को ना. हमेशा आगे लेके जाना चाहिए. अगर आप आगे जा रहे हैं तो लोगों को आगे लेके जाओ. सब तरक्की करेंगे. हमारा देश तरक्की करेगा. हमारा विश्व तरक्की करेगा. अगर मैं किसी को नीचे गिराने लगा रहूंगा तो मेरी सोच गलत है और मैं कहीं अंदर ही अंदर घुसता रहूंगा. अगर मैं अपने अंदर अच्छी सोच रखूंगा सबके लिए भला सोचूंगा तो खुश रहूंगा. चाहे कुछ भी नहीं होगा तब भी खुश रहूंगा कि यार हाँ मेरे अंदर के लिए. तो मैं इसी सोच के साथ चलना चाहता हूँ. क्या बात है. सो आपके एक फैन ने इसी चीज का कमेंट भी किया है आई एम कुलदीप सिंह 1700 ने कि इक्का भाई में ईगो और आपकी कोई चीज ही नहीं है. क्या बात है कुलदीप भाई. आई लव यू. और ऊपर वाला करे यार कभी आए भी ना यार क्योंकि ईगो इंसान को खत्म कर देती है. मैंने सुना है मैंने देखा भी है. और ना ही आए और हम जमीन से निकले हैं जमीन में मिल जाएंगे किस बात का ईगो. क्या बात है इक्का क्या बात है. सो इक्का और हम गानों की महफिल और बातों की महफिल जारी रखेंगे. इक्का आपकी फैन की डिमांड आ रही है बार बार अंदर शीशा हाफ विंडो डाउन एक बार हो जाए. ओ अद्दा शीशा थल्ले मेरी गड्डी दा मैं चोरी चोरी तेन तपदा. ओ अद्दा शीशा थल्ले मेरी गड्डी दा मैं तेरा आई लव यू इतना प्यार देने के लिए हाफ विंडो डाउन. मुझे तो आज भी नहीं पता आज भी लोग मतलब उसे इतना प्यार देते हैं. मेरे को याद है वो 4 साल हो गए या 5 साल हो गए उस गाने को निकले. पर स्टिल लोग मेरे को ये बोलते हैं कि यार वो गाना पाजी इतना फ्रेश है मतलब आज भी सुनो तो लगता है. और मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट दूंगा डॉक्टर ज्यूस पाजी को. डॉक्टर वो गाना प्रोड्यूस नहीं करते वो गाना तो वो गाना नहीं होता. छोटे भाई की तरह प्यार करा है और हमेशा अच्छा म्यूजिक दिया मेरे को. तो ये गाना उनका मुझसे ज्यादा उनका गाना है. यस इक्का ये मैं आपकी बात पे अग्री नहीं करूंगी क्योंकि एक और गाना है जिसका म्यूजिक बहुत सिक है. मतलब की पंजाब में स्पेशली किसी भी रोमांटिक गाने का ऐसा म्यूजिक नहीं रहा. ओ ये मतलब एक्चुअली मैं खत मेरे को याद है
खत हमने मैंने मैंने पहले गाया था खत, और मैंने कहा यार इतना मजा नहीं आ रहा। फिर गुरु भाई हम नए नए मिले थे, और गुरु भाई से मेरा बड़ा प्यार होता था उस वक्त, और हमारा आना स्टूडियो जाते साथ में, वो मतलब कि मेरे घर पे रहते थे, मैं उनके घर पे रहता था, कहीं घूम रहे हैं साथ में, खाना खाना है साथ में, मतलब गाने बना रहे हैं। तो फिर मेरे दिमाग में सिर्फ यही चीज आई कि यार गुरु भाई गा देंगे ना तो ये गाना मतलब अमर हो जाएगा यार। और मैंने बहुत कुछ सुनाया, और द मोमेंट मतलब उन्होंने सुना गाना, वो कहते हैं वाओ यार वाओ। उन्होंने मतलब वहाँ रिकॉर्ड करा हमने गाना सचित के घर पे, हमने इंटेंस को वोकल्स भेजे, इंटेंस ने क्या म्यूजिक करा उसका, मतलब हम हिल गए। मैंने कहा अमेजिंग, फिर ऐसे गाना आज भी बहुत प्यार मिलता है उस गाने को, बहुत प्यार मिलता है। क्या बात है। सो इंदर जीत जी कह रहे हैं पाजी खत का रैप कर दो पाजी। ऑलराइट फॉर यू ब्रो, काश तू होती मैं तुझको बताता, सीना मेरा चीर दिल तुझको दिखाता, निभाता वादे वो सारे हाथों को लेके इन हाथों में तूने कहा था, आदत नहीं मुझको रोने की पर आंखों से आंसू फिसल जाते हैं, ना करना चाहूं पर बातों में अक्सर तेरे ही किस्से निकल आते हैं, दिल कहे उसे मेरा प्यार करना छोड़ दे, सेम टू सेम जैसे वो गई छोड़ के, चल जैसा कदम मेरा जो भी तेरे पास आके सब कुछ मैनू मेरा मोड़ दे। इतना मतलब इतने रियलिस्टिक लिरिक्स कहाँ से लाते हो आप, मतलब इस दिन जिंदगी के किस्से हैं भाई, जिंदगी के किस्से हैं। अच्छा इनडायरेक्टली मतलब मैं बोलूंगी नहीं। दिल टूटे आशिक हैं, दिल टूटे आशिक, क्या बात है। अरे क्या बात है इका, क्या बात है। सो इका एक चीज ना, हर एक फैन जानना चाहता है अपने स्टार के बारे में कि जब हमारे स्टार पहले इंडस्ट्री में आया था, उनका पहला असाइनमेंट था, उनका पहला उन्होंने जो काम किया था उसकी कितनी साल की, ये चीज हर फैन जानना चाहता है। मेरे को 500 रुपए मिले थे, मेरे को आज भी याद है, मैं रफ्तार और बोलू हमने शो करा था कहीं पे, तो हमको 500 रुपए मिले थे, हम बहुत खुश हुए थे। तो 500 रुपए मुझे 500 रुपए मिले थे और बहुत खुश हुए, मैंने गाने के 500 रुपए मैंने हम गा दे रहे हैं, ऊपर से पैसे भी मिले हमको, वाह भाई वाह। मैंने ये तो बहुत सुपर स्टार 500 से ही खुश हो गए थे, क्या बात है। मतलब क्या बोलूं, मैंने हमने तो चीजें ऐसी देखी हैं, मतलब उसमें तो यार जिंदगी थी, अभी भी जिंदगी अच्छी है, पर वो टाइम अमेजिंग था। और ये शो कहाँ पे हुआ था इनका, ये आपका पहला? ये दिल्ली में शो था, और क्लब बी नाम का कोई क्लब था, मेरे ख्याल से तो बंद हो गया वो गुड़गांव में, और वहाँ पे हमने शो करा था सब मिलकर। और ये कौन से साल की बात है? ये मेरे ख्याल से 2008 या फिर 9 की बात है। क्या बात है, इतना हम्बल कि आप 500 से इतने खुश हो गए, आई थिंक सबसे हम्बल चीज हो सकती है। और एक चीज और जो सब फैंस जानना चाहते हैं कि ये कि फर्स्ट जो आपके पास, मतलब हर स्टार के मन में ना एक ड्रीम होता है कि जब जो अपनी पेरेंट्स को बोलते हैं कि मम्मा पापा जब मेरे पास पैसे आएंगे ना सबसे पहले मैं ये खरीदूंगा एक्सपेंसिव, आपने सबसे पहले जो प्रेशियस एक्सपेंसिव चीज होती है या प्रेशियस, वो क्या खरीदी थी? मैंने जूते खरीदे थे एक्चुअली, मैं एडिडास के, और मैं मेरे पास पैसे होते नहीं थे बचपन में, और मैंने बड़े मतलब मैं विंडो शॉपर था, मैं विंडो शॉपिंग करता था बाहर चीजें देखनी और बड़े बड़े शोरूम्स देखने, हमारी हिम्मत नहीं थी कि अंदर जाएं। तो मेरे एक ये था, मेरे को याद है मैंने एक गाना लिखा था, उससे मेरे को 5,000 रुपए मिले थे, और मैं सीधा एडिडास के शोरूम की एडिडास को लेकर, और मैंने अपना जूता खरीदा पहला, और मैं इतना खुश हुआ ना, उसको मैंने पहना नहीं, उसको सिर्फ मैं देखता रहा काफी दिन तक, मैंने कहा मैं पहनूंगा तो ये गंदा हो जाएगा यार, क्या बात है। तो वो पहली चीज मैंने खरीदी थी, ऐसी क्या बात है, मतलब आई थिंक ये चीजें फैंस को भी सुन के बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि कई आपके जैसे बनना चाहते हैं, कई इंडिया में आर्टिस्ट बैठे हैं जो अभी तक घर पे नहीं निकल पाते हैं बिकॉज ऑफ सिमिलर या इससे भी बुरी प्रॉब्लम्स की वजह से, तो उन सब के लिए मेरे ख्याल ये इंस्पिरेशन है। सो इका जी आपने जैसे ये चीज बोली, आपके जैसे बहुत इंडिया में यंग आर्टिस्ट और इससे भी गंदी कंडीशन में बैठे हैं, उनके लिए एक मंत्र आप क्या दोगे? मैं यही कहूंगा, क्योंकि देखो हमारे टाइम में तो यूट्यूब वगैरह कुछ भी नहीं, चलते रहो चीजें, मतलब कोई चीज क्लियर गई ना तो आप कहां से कहां जा सकते हैं, आप देख ही रहे हैं यार लोगों को आज, मतलब यूट्यूबर्स हैं चाहे वो सिंगर्स हैं चाहे एक्टर्स हैं चाहे कॉमेडियंस हैं चाहे कोई भी है, यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप स्टार्स बना रहे हैं, तो यस अपनी मेहनत को बस और अपने पैशन को इसको ना कभी छोड़े, और अपने आप पे बिलीव करें, कोई कुछ भी कहता है उस पे गौर ना करें, अगर आपको चीज अच्छी लगती है तो आप जरूर करें और अपने आप पे विश्वास रखें, बस दैट्स इट। बिल्कुल। सो आई थिंक जितने भी इक्का जी के फॉलोअर्स और फैंस ये देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है जो आपको वो खुद दे रहे हैं, एंड मेरे अकॉर्डिंगली इक्का जी कैसे स्टार है जो अपने कुछ मंच पाए थे वो बहुत ही मदद भी करते हैं। सो आप इक्का जी को डीएम कर सकते हैं, इक्का जी अभी ना कभी टाइम निकाल
के देखते ही होंगे अपने फैंस के। मैं देखता हूँ, मैं एवरी डे रिप्लाई देता हूँ जितना पॉसिबल होता है, क्योंकि अगर फैंस नहीं है तो मैं हूँ कौन, मेरी क्या औकात है। बिल्कुल, अगर ये लोग नहीं, अगर आपको प्यार नहीं मिलेगा ना, ये मेरी फैमिली है, मेरे फैंस नहीं है। इन्होंने ना मेरे को इतना कुछ दिया, मतलब मेरे खानदान में मैंने गाड़ी नहीं दिखी दी है, मेरे पास गाड़ी नहीं थी किसी के पास, मुझे याद है। मेरे मतलब मेरे को पता, मैंने BMW ली अपने खानदान में, और सबसे उसकी क्यूट बात बताऊं क्या थी, मैंने गाड़ी ली और मैं अपने घर ले गया, और मैंने पापा को बुलाया बाहर, मैंने पापा मैं चीज लेके आऊँ, आप आओ बाहर, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। तो पापा बाहर आए, मैंने गाड़ी लिया, ये देखो, पहले देखे कहते अबे ये क्या ले लिया, इससे बड़े तो सफारी लेता यार, अरे तो क्यूट है यार, कहते इसमें तो छोटी, कहते तो छोटी गाड़ी है, इसमें बैठूंगा कैसे मैं। फिर वो बैठे तो खुश हुए, मैं देख रहा हूँ उनका मुँह, मैं है सफारी ले लेता, मैंने पापा ये मैं इतने क्यूट बात बोली, इतने भूल गए यार वो, आई लव माय डैड सो मच। तो मतलब यार मेहनत करो, हर चीज पूरी होती है। क्या बात है, मतलब इसका जी आपके फादर को भी हमारा सल्यूट है कि वो इतने हम्बल है, और शायद उनकी हम्बलनेस की वजह से आ जाते हैं। अरे वो बहुत क्यूट बंदे हैं, ऑल आवर ब्लेसिंग्स टू अंकल जी। मैंने मतलब अपने पापा को देखा है यार, मतलब मेरे को याद है, मेरे को अपने पापा से एक सीख मिली थी, मेरे को ठंड का टाइम था, दिसंबर का टाइम था, और हम कहीं जा रहे थे, तो एक रिक्शे वाला था, अच्छा उसको बेचारे को ना उसको ठंड लग रही थी, ठंड मेरे को दे दी थी, मेरे को इतनी अच्छी लगी ना वो चीज, मैंने कहा वाह यार मेरे को ऐसा बनना है यार, मतलब मैंने अपने पिताजी से क्या कुछ सीखा, क्या बहुत कुछ सीखा यार। मेरे पापा के पास 200 होंगे और किसी को जरूरत है वो 199 किसी को दे देंगे, अपने लिए रख लेंगे यार, ऐसा इंसान है मेरा पापा। क्या बात है, सो आपका दिल से शुक्रिया शुक्रिया जी। इक्का जी अगला क्वेश्चन आपके लिए आपके पाकिस्तान के फैन से है, इक्का भाई आप पाकिस्तान कराची कब आओगे? जब सब ठीक हो रहेगा, जब ये नफरतें मिटा देंगे, ये पॉलिटिक्स जो भी चलती है यार, और हम जैसे लोग आप मैं जो मिलना चाहते हैं वो कभी मिल नहीं पाते हैं इनके करके। मैं यही कहूंगा कि यार देखे और सब बाउंड्रीज बॉर्डर्स ये सब हटा दे यार, सब दुनिया, मैं तो इवन पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया के सारे बॉर्डर्स हट जाए, सब इंसान इंसान की कदर करे, इंसान इंसान को प्यार करे, इंसान इंसान की इज्जत दे, बस दैट्स इट यार। कब तक रहेंगे यार, और क्या है, और ऊपर वाले बनाने वाले ने हमें कोई चीज में कमी नहीं रखी, सब कुछ एक जैसा दिया है, दो आंख एक नाक एक मुंह दो कान यार, तो हमको इतना डिफरेंस करने वाले यार, तो मैं यही चाहूंगा बस यार, ये सब नफरत की जितनी दीवारें हैं सब गिरे और हम एक। क्या बात है, सो इक्का जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविल अंडरस्कोर किलर्स का वर्कआउट 2 कब तक आएगा पाजी? भाई बस वर्कआउट तुम्हारे भाई ने चालू कर दिया है, बस 6 महीने दो तुम्हारा भाई फिर से वर्कआउट पे गाना लिख देगा। क्या बात है, क्या बात है, सो इसके साथ ही अपने फैंस अपने क्वेश्चन भेजते रहे और रेलेवेंट क्वेश्चन भेजो, जिनके क्वेश्चन मुझे रेलेवेंट लगेंगे वो मैं इक्का जी से जरूर पूछूंगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा था आज हमारी इंटरव्यू बहुत लाइट होगी, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आज कोई डिप्लोमेसी नहीं करेंगे। फैंस से भी मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भेजिए इक्का भाई की लाइफ के बारे में, क्वेश्चन भेजिए यार अच्छे क्वेश्चन भेजिए, हम इक्का जी के बारे में जानना है, कॉन्ट्रोवर्सीज नहीं सुन पाए। सो अगला क्वेश्चन इक्का जी करते हैं, अच्छा ये भी बहुत लोगों को बस बात पता है, कईयों को नहीं पता, सलमान खान ने भी इनको निखिल द्विवेदी भाई हैं अपने, और वो बॉलीवुड में काफी अच्छे मतलब स्टार हैं, उनके काफी मूवीज आई हैं, तो उनकी मूवी थी तमंचे, और उसमें एक गाना उनको बहुत पसंद आया मेरा, इंटरक्लॉक, वो थोड़ा हरियाणवी था गाना, और मेरे ख्याल से वो सलमान भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं निखिल द्विवेदी पाजी, तो उन्होंने सलमान भाई को गाना सुनाया और सलमान भाई को बहुत अच्छा गाना लगा यार, कहते कौन है ये लड़का भाई, जब ये मुंबई आएगा तो मिलवाओ, तो ना मुंबई गया, फिर निखिल भाई ने मैसेज करा कि इक्का यहाँ पे है, तो सलमान भाई ने कहा उसे लेके आओ चलो आज घर पे आज पार्टी करेंगे, तो मैं गया वहां पे, तो वहां पे सोनाक्षी सिन्हा थी सलमान भाई से, पहले तो मैं देख रहा सलमान भाई को, मैं देखता ही रह गया, सलमान भाई कहते ऐसे क्या देख रहा है, मैंने पाजी मेरे को आपको देख के ना सिर्फ राधे मोहन और प्रेम याद आ रहा है भाई, मैं तेरे नाम भाई हसरे भाई मुंह पकड़ के हसरे अपना, मैं कह रहा भाई मेरे को मतलब राधे मोहन दिखने लग गया भाई, हमको फैन है पाजी के यार, कट्टर फैन भाई, तेरे नाम मतलब बीच की मांग रखते हैं भाई,
तेल लगा के मतलब ऐसे बीच की मांग करके होए 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 तेरे नाम भूल भाते भैया क्या बात है सलमान भाई के तो ऐसा मूवमेंट था यार। फिर उन्होंने कबाब खिलाए कहते का कबाब वगैरह खाते हो, मैंने अरे भाई आप शहर खिला दोगे वो खा लेंगे भाई यार कबाब मतलब प्यार है आपका भाई मतलब भिंडी दे रहे हैं सलमान खान मेरे को भिंडी खिला रहा है अपने हाथों से यार मतलब सोचो ना क्या फील रही होगी यार। तो मतलब बहुत अमेजिंग टाइम था बहुत अमेजिंग यार सलमान भाई मतलब दिल से भी हीरे बंदे हैं यार हीरे बंदे हैं क्या बात है। और आपने सोनाक्षी की तो बात ही नहीं की मेरी मैं थोड़ा लड़कियों से शाय मतलब काइंड ऑफ शाय बात नहीं हुई थी और मैं वो भी अपने मस्त है मैं भी अपने मस्त मैं सलमान भाई के और में खो गया भाई सही बताऊं तो क्या बात सो अच्छा आपका तो रिएक्शन जानिए आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब उनको पता लगा कि वाह हमारा बेटा सलमान खान के उधर से भिंडी खा के आया मतलब भिंडी पता नहीं अरे बहुत तरीके की मैं बाथरूम में गया मतलब वहां पे 100 तरीके के साबुन थे पानी इतने साबुन क्यों कहते एक का मेरी ना एक मतलब वो है हॉबी है मैं कहीं बाहर जाता हूँ या फिर कोई भी देश जाता हूँ कोई होटल होता ना हमारे साबुन ले आता मैंने वाह यार मैंने ऐसी हॉबी मैं भी बनाऊंगा यार मैं कहीं जाऊंगा तो ऐसा कुछ ले आऊंगा भाई तो मतलब अभी तो कुछ भी लेना चाहते हैं बाहर तो काम के सिलसिले में मैं कभी कैनेडा गया तो इतना टाइम नहीं मिलता कि क्या चीज करें क्या नहीं शोज होते हैं वीडियो शूट होते हैं तो बस उन्हीं में लगे रहते हैं। तो सलमान भाई तो फिर यू नो सलमान भाई ही है भाई क्या बात है सो इक्का जी आपके एक फैन बहुत देर से लिख रहे हैं सूर्या अंडरस्कोर शर्मा इक्का ही गिव मी इंस्पिरेशन आई हैव रिटन अबाउट 16 सॉन्ग्स बट बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ मनी आई कुड नॉट अफोर्ड म्यूजिक एंड वीडियो प्लीज टेल मी व्हाट शुड आई डू। ब्रो कुछ नहीं करने का भाई आजकल लोग फोन से वीडियो बना के डाल रहे हैं वो बड़े वीडियो वाला चलन चला क्या कि भाई आपको बड़ी गाड़ियां दिखानी है सुपर हॉट मॉडल्स दिखानी है वो टाइम नहीं है ब्रो। आप चाहे यूएस में देख लो लोग छोटे वीडियो कर रहे हैं लोग एमी में यार वो कितने बड़े वीडियो करता है मतलब एमी पे शूट कर देता है और यूट्यूब पे करता है वो मैं कोई कंपनी के पास जाता अगर आपके कंटेंट में जान है तो वो आपको ट्रैवल करेगा और आपको किसी की जरूरत नहीं है यस अगर आप अपने कंटेंट पे बिलीव करे हो कि हाँ यार काम अच्छा है यार मैं अच्छा काम कर रहा हूँ अगर आपको अपने आपके कंटेंट पे बिलीव नहीं है तो बिलीव में आप कहीं नहीं जा आप कहीं ट्रैवल नहीं करेंगे। बिल्कुल इक्का इसके साथ ही एक सवाल मुझे बहुत याद आता है जैसे हम खत की वीडियो याद करें।